हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून. वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों. एम आई ऑडिबल मैम? आवाज़ मैम बोलेंगी तब आवाज़ आ जाएगी. एम आई ऑडिबल? यस, फटाफट से बता दीजिए. हाय प्रिया, हाय इंसान मिर्ज़ा, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. हाय रॉनी, हेलो प्रिया ब्रता. चलिए आज हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल के क्वेश्चंस करने वाले हैं. ठीक है, ये क्विज हमारा रह गया था जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करें. ओके ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी बरनवाल एंड आई एम योर नीट बायो एडुकेटर. मैं आपको कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ाती हूँ. लेट्स क्रैक नीट यूजी पे आपका सेशंस लेती हूँ. इसके अलावा मैं स्पेशल क्लासेस भी आपकी लगाती हूँ. ठीक है, एंड बच्चों ये टेलीग्राम चैनल है जिसको ज़रूर आपको ज्वाइन कर लेना अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हैं. तो बस मेरा नाम याद रखेंगे डॉक्टर साक्षी बरनवाल एंड यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन टेलीग्राम. ओके ठीक है, चलिए एमसीक्यूज करने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर करिएगा, हड़बड़ी करके नहीं आंसर करना. आराम से क्वेश्चन नंबर के साथ आपको ऑप्शन देना है ताकि क्लियर है कि किस बच्चे ने कौन सा आंसर दिया. ओके, हियर गोज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. Which of the following statement is incorrect? Incorrect मतलब wrong. Regarding the tissue lining organs and cavities. ठीक है, इनमें से कौन सा statement गलत है? Hi मुस्कान, hello Rihanna, hi प्रभजोत, राजेश, आकांक्षा, प्राची, hello रंगनाथ, very good afternoon बच्चों. चलिए फटाफट से आंसर करेंगे. Which among the following is incorrect? Regarding the tissue lining the organs or cavity. I got an answer from Muskan. Then I got an answer from, okay, Subhadeep, Akanksha, Ronnie. Very good. Cells जो हैं आपके compactly arranged रहते हैं, लेकिन उनमें intercellular space अगर present भी रहा तो बहुत minute या ना के बराबर होता है. Large intercellular spaces are not present. तो B option is incorrect. Totally incorrect. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू प्रोवाइड्स द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है. कम ऑन एवरीवन, कौन सा ऐसा एपिथेलियम है जो कि आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है मैकेनिकल स्ट्रेस और केमिकल स्ट्रेस से? यस, प्लीज बी वेरी वेरी पिक्यूलियर विथ योर आंसर एंड विथ योर ऑप्शंस. वेरी गुड, आई गॉट प्रभजोत, एकता, प्रिया, रॉनी. वेरी गुड, इट इज कंपाउंड एपिथीलियम. राइट, कंपाउंड एपिथीलियम. अगर सिंपल एपिथीलियम जो लोग कह रहे हैं, सिंपल एपिथीलियम सिंगल लेयर की होती है और स्क्वैमिश एपिथीलियम बहुत इजिली डिफ्यूजेबल है, बहुत ही पतली होती है, तो वो कभी भी प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकता. रही बात कॉलमनार की, दैट कैन प्रोवाइड योर एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत अच्छा आपके एक तरह का सरफेस दे सकता है, बट नॉट फॉर मैकेनिकल स्ट्रेस, केमिकल स्ट्रेस और एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्शन. दैट इज योर कंपाउंड एपिथेलियम. ठीक है, चलिए. विच टिश्यू इन आवर बॉडी फंक्शंस एज लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स? कम ऑन एवरीवन, Which tissue in our body function as lining of body cavities, ducts and tubes? Yes? No, 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 no. Be very specific about it. कौन सी tissues हैं जो lining करती हैं? Very good, प्रभजोत, क्या बात है, प्रभजोत से आंसर अच्छा रहा. कांक्षा, very good. शुभदीप, very good. It is simple epithelium. याद करो, हमने जब सिंपल एपिथीलियम पढ़ा था उसके अंदर तीन तरह के एपिथीलियम मेनली हमने पढ़े थे, तीन से चार तरह के. दैट वाज स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार. इसके अलावा ग्लैंडुलर भी पढ़ा था और एक स्ट्रूडो स्ट्रेटिफाइड होता है जिसके बारे में मैंने बहुत क्लियरली आपको बताया नहीं क्योंकि इतना आपसे पूछा नहीं जाता. ठीक है, इट इज सिंपल एपिथीलियम जो लाइनिंग बनाता है किसी भी बॉडी कैविटी की, किसी भी डक्ट की. इट्स सिंपल एपिथीलियम. ओके, यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं कि वो क्यूबॉइडल होगा, वो आपके कॉलमनार होगा. इट शुड बी सिंपल एपिथेलियम व्हिच लाइंस इट. ठीक है, यस, चलिए
Which of the following statement is correct regarding tissue made up of single thin layer of flattened cell with irregular boundary? ये बहुत इजी क्वेश्चन है. दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. ठीक है, सिंगल थिन लेयर फ्लैटेंड सेल. यहां से बहुत इजी आपको मतलब विजुअलाइजेशन मिलेगा कि सेल कौन सा है. फ्लैटेंड सेल तो इट विल बी टाइल लाइक अपीयरेंस. वेरी गुड एकता. और टाइल लाइक अपीयरेंस कौन देता है? आपके स्क्वैमश एपिथीलियम. और स्क्वैमश एपिथीलियम का काम क्या है? डिफ्यूजन कराना. सिंपल डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाता है ये. इट विल बी ऑप्शन ए. यस, एकदम सिंपल आपके डिफ्यूजन प्रोसेस में आपके काम देता है, मेनली आपके ब्लड कैपिलरीज में. ठीक है, आपके एल्वियोलर सैक के अंदर इन सब जगह पे ये लाइनिंग बनाएगा. ठीक है, चलिए. विच टिश्यू इन ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन प्रोवाइड द फंक्शन ऑफ सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन? कम ऑन एवरीवन, वेरी इजी क्वेश्चन. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. पहले देखो, सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन बहुत सारे आपके टिश्यू कराते हैं, बट कहां पूछ रहा है? ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. दे आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट. ठीक है, इट इज, यस, वेरी गुड, इट इज क्यूबॉइडल एपिथीलियम. ठीक है, अगर आपका पूछा जाएगा इंटेस्टाइन वगैरह में, देन यू कैन टेल सीलिएटेड कॉलमनार एपिथीलियम. वहां पे सीलिएटेड जरूरी है आपको बताना. ठीक है, आपके सीलिएटेड एरिया रहेगा या माइक्रोविलाई प्रेजेंट रहेंगे. बट अगर हम नेफ्रॉन की बात करें तो वहां पे क्यूबॉइडल एपिथीलियम होता है. विच टिश्यू पॉसेस सेल्स विच हैव न्यूक्लियाई एट बेस एंड फ्री सरफेस हैज माइक्रोविलाई? फ्री सरफेस हैज माइक्रोविलाई. दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड प्रिया, एकता, रॉनी, प्रभजोत, आकांक्षा, गॉडफादर, बिल्कुल सही, इट इज कॉलमनार एपिथीलियम. ठीक है, जिसके ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है. सीलिएटेड कहाँ होती है? जहां ट्रेकिया में होती है, फलोपियन ट्यूब में होती है, यहां सीलिएटेड होते हैं. ठीक है, द एपिथीलियम कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स इज फाउंड इन? सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स आर फाउंड इन? Come on everyone, कहां पे पाया जाता है? Yes, very good. ये आपके intestine में भी columnar epithelium है, stomach में भी है. बस stomach में यही अंतर है कि वहां पे microvilli नहीं होता. ठीक है, होते दोनों जगह ही columnar epithelium. Okay? ठीक है, अगर वो ciliated, sorry, अगर वो कहता microvilli के साथ, then only intestine you should have mentioned. लेकिन यहाँ पे केवल columnar पूछ रहा है, उसके अंदर ऊपर कोई माइक्रोविलाई का प्रेजेंस नहीं बताया. विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथीलियम इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग सीलिएटेड एपिथीलियम बाय प्रोसेसिंग सीलिया ऑन इट्स सरफेस? सीलिया ऑन इट्स सरफेस. सीलिएटेड एपिथीलियम जनरली कौन बनता है? यहां पे बहुत सारे ऑप्शन दिए, प्लीज बी वेरी केयरफुल विथ योर आंसर्स. वेरी वेरी केयरफुल. रॉनी, आप दो दो आंसर दे रहे हो, अब एक दे रहे हो. कॉलमनार हो सकता है डेफिनेटली, लेकिन कॉलमनार के अलावा, कॉलमनार के अलावा क्यूबॉइडल एपिथीलियम में भी सीलिया प्रेजेंस हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. जरूरी नहीं है कि हर ट्यूब या जहां पे भी आपके लाइनिंग बनानी हो सीलिया की, वहां पे कॉलमनार एपिथीलियम होने की जगह हो. वहां जहां पे जगह पतली होती है, वहां पे क्यूबॉइडल आपके स्पेस बनाता है और उसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है. ठीक है, चलिए. एपिथीलियम विच हैज प्रॉपर्टी टू मूव पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ एंड इज प्रेजेंट इन ऑर्गन्स लाइक ब्रोंकियोल्स, फलोपियन ट्यूब एंड यूट्रसेस? कम ऑन एवरीवन, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इजी पीजी क्वेश्चन है ये. Yes, it is ciliated epithelium. It is ciliated. Which of the following organ possesses epithelium composed of flattened cells with irregular boundaries? ठीक है, ये अगेन क्वेश्चन है, बट ऑप्शन चेंज कर दिए गए इस समय.
ऑप्शन चेंज के अकॉर्डिंग आपको सही ऑप्शन बताना है, विच इज द करेक्ट ऑप्शन. कम ऑन एवरीवन, इट इज, अगर ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनता है, ठीक है, ये डिफ्यूजन के लिए ही यूज होगा क्योंकि ये स्क्वैमिश की बात कर रहा है, और स्क्वैमिश कहाँ प्रेजेंट रहेगा, आपके एयर सैक्स ऑफ लंग पे, राइट. चलो, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स इन बिटवीन सेल्स विच एक्ट्स एज मैट्रिक्स आर सीक्रेटेड बाय कम ऑन एवरीवन, they are secreted by all connective tissue except blood. ये थोड़ा out of NCERT question था, it's okay. Which of the following statement is incorrect regarding areolar tissue? बच्चे हम थोड़ा सा volume down कर रही हूँ मैं, बहुत weakness लग रही है आजकल, ठीक है, तो थोड़ा सा volume मैं down कर रही हूँ केवल और कुछ नहीं. कम ऑन, एरियोलर टिश्यू जो होता है आपके सपोर्टिंग एपिथीलियम बनता है, फ्रेमवर्क एपिथीलियम बनता है, करेक्ट. सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, करेक्ट है, ठीक है. थर्ड इज, कोलेजन फाइबर आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स, यस करेक्ट. दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा. मैम आप बहुत याद आओगे हमें, तो इस बेटा मैं मरने नहीं जा रही हूं, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू डाई. चलो, स्टोरेज ऑफ फैट इज डन बाय विच टाइप ऑफ सेल इन आवर बॉडी, स्टोरेज ऑफ फैट इज डन इन विच टाइप ऑफ सेल इन आवर बॉडी. इट इज, स्टोरेज ऑफ फैट किसमें होता है, एडिपोज में, एंड एडिपोज इज अ टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, इट इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू, उसी में एरियोलर और एडिपोज दोनों आते हैं, यस. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू, नॉट अ फंक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू, नॉट बोला है, नहीं है, यस. फैट को डिसॉल्व करने का काम नहीं करता है, फैट को स्टोर करना है, ठीक है, बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, इंसुलेशन देना है, ठीक है, वॉर्म्थ बनाए रखना है बॉडी की, न्यूट्रिएंट आपके कन्वर्जन करना है फैट से, ये सब काम करे, बट उसको डिसॉल्व करने का काम नहीं है एडिपोज का. वो कहेगा मुझे तो और दे दो, वो क्यों कहेगा मेरे से ले जाओ, उसको तो मन है और रख ले. हम इंसुलेशन, इंसुलेटर और कंडक्टर पढ़ा है, इंसुलेटर और कंडक्टर पढ़ा है, जिस चीज से आपकी कोई चीज पास हो जाए, ठीक है, उसको कंडक्टर कहते हैं, इंसुलेटर जो रेजिस्ट करे उसको. तो इंसुलेशन का मतलब हमारे बॉडी के अंदर है, जो हमारे बॉडी में, ठीक है, एक तरह से इंसुलेशन का काम करे, वॉर्म्थ बनाए रखे, अननेसेसरी हमारी बॉडी हीट को डिसिपेट ना होने दे, ठीक है. चलिए, इन विच type of arrangement are rows of collagen fiber present with respect to other fiber in dense regular connective tissue, ठीक है, in which type of arrangement are rows of collagen fiber present with respect to each other to other fibers in dense connective tissue, regular connective tissue, they are present in पैरेलल फॉर्म, पैरेलल फॉर्म में आपके अरेंज रहता है, ठीक है, इट इज अरेंज्ड इन पैरेलल फॉर्म, ओके. लेबल ए बी सी डी
फॉलोइंग डायग्राम आर रेस्पेक्टिवली. आपको डायग्राम नहीं दिख रहा है राइट? कैन यू सी द डायग्राम क्लियरली? येस और नो टेल मी. ये ए मेंशन किया गया है, मैं आपको फिर भी बता दे रही हूं, इसको बी मेंशन किया गया है, ठीक है. दिस इज डी एंड दिस पार्ट इज सी. अब आपको बताना है ये कौन कौन से पार्ट्स हैं. ए से ही पता चल गया इतनी जल्दी. सी कोलाजन फाइबर है. देखो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है. और क्या बता रहा है आपके, इतना बड़ा सा सेल है, ठीक है. दिस विल बी अ मैक्रोफाज. ये आपका ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा राइट. बताओ बी मैक्रोफाज है कि क्या है? गलत है. हाँ वेरी गुड, इट इज ऑप्शन बी मैक्रोफाज. ये रहा, ए इज मैक्रोफाज. यस वेरी गुड. डी क्या है आपके, ये मास सेल है. दिस इज द मास सेल, ठीक है. और फाइब्रोब्लास्ट से आपके कोलेजन बनेगा, तो ये फाइब्रोब्लास्ट होगा, ठीक है. चलिए, 90 इंडिविजुअल सेल ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन टिप ऑफ नोज एंड आउटर ईयर जॉइंट इज नोन एज. इंडिविजुअल सेल किस चीज से बनी है, टिप ऑफ द नोज एंड योर ईयर पिना. टिप ऑफ द नोज एंड ईयर पिना, इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज. और कार्टिलेज की यूनिट को क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट. यस इट इज नोन एज कॉन्ड्रोसाइट. विच अमंग द फॉलोइंग इज अ ट्रांसपेरेंट टिश्यू, इज अ ट्रांसपेरेंट टिश्यू. कम ऑन एवरीवन. इट इज हाइलिन कार्टिलेज. हाइलिन कार्टिलेज आपका ट्रांसपेरेंट होता है. स्ट्रेंथ टू बोन्स इज गिवन बाय हार्ड एंड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ. स्ट्रेंथ टू बोन्स इज गिवन बाय हार्ड एंड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ. नो, स्ट्रेंथ केवल कैल्शियम से नहीं मिल सकती है. व्हाट एल्स इज देयर? हमारे जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसमें मेनली एरियोलर टिश्यू होता है, और उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में कैल्शियम के साथ साथ मेनली आपका कोलेजन फाइबर इन्वॉल्व होगा. बिना कोलेजन फाइबर के उसकी स्ट्रेंथ नहीं आएगी. उसका मैट्रिक्स एरियोलर टिश्यू ही बनाता है, याद रखना ये बात. कभी भी एरियोलर कोलेजन फाइबर को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है. कोलेजन इलास्टिसिटी देता है, तो इलास्टिन फाइबर क्या देता है, हैं रोनी? अगर कोलेजन इलास्टिसिटी देता है तो इलास्टिन फाइबर क्या देता है, बताओ? आपके एनसीईआरटी में दिया कैल्शियम सॉल्ट, लेकिन अब कोलेजन कंबाइंड है, तो यू विल टेक ऑप्शन ए, ठीक है. लोकेशन ऑफ सेल्स ऑफ बोन इज, लोकेशन ऑफ सेल्स ऑफ बोन इज कहां पे बोन के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है. ये कहां प्रेजेंट होते हैं, एक पर्टिकुलर हैवर्जन सिस्टम में लैकुनी के अंदर रहते हैं, ठीक है. एक प्रॉपर लैकुना होता है, उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे. ऐसे करके लैकुने आपके अरेंज रहते हैं हैवर्जन सिस्टम में, इस तरह से लैकुने अरेंज रहते हैं राइट. चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वेट बियरिंग बोन,
वेट बियरिंग बोन? वेट बियरिंग बोन, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, जब भी हम जिम वाले लोगों को देखते हैं तो वो जनरली कौन से बोन से लिफ्टिंग करते हैं? वेट लिफ्टिंग, इट इज डन बाय लिम्ब बोन्स। वेरी गुड, लिम्ब के बोन्स, हाथ पैर, यही ज्यादा मदद करते हैं लिफ्ट करने में। ठीक है, वर्टेब्रल कॉलम बहुत रेयर बेटा, वर्टेब्रल कॉलम में कहां जल्दी उठाते हैं कुछ, इट्स हैंड एंड लेग्स विच यू यूज फर्स्ट। Myofibrils form long cylindrical fibers whose arrangement is calcium and collagen, दोनों दिया हुआ है ना, see it's correct. Myofibrils form long cylindrical fibers whose arrangement is, myofibrils बहुत organized रहते हैं, ये कैसे arranged रहेंगे, ये parallelly arranged रहते हैं, कैसे बच्चों, parallelly arranged रहते हैं तरीके से, ठीक है तरीके से। Which among the following has been mismatched? Which among the following is being mismatched? बहुत easy question है, very easy question. Read it properly, then only answer. Smooth muscle कहाँ होते हैं? Smooth muscle fiber, smooth muscle tissue कहाँ होंगे? जहां पे आप इनवॉलेंट्री एक्शन करेंगे, इनवॉलेंट्री, ठीक है। और ये कहां कह रहा है? ब्लड वेसल्स में। क्या ब्लड की वेसल्स को आप बोलते हो कि खून दौड़ाओ बेटा, कि खून दिमाग से पैर तक पहुंचा दो, या खून को दिल से पैर तक पहुंचा दो, खून को दिल से सर तक पहुंचा दो? नहीं ना, वो खुद से कर रहा है, ठीक है, खुद से आपके लेके जा रहा है, राइट। तो उसको जो भी सेंसेशन चाहिए वो सारा आपके स्मूथ मसल के थ्रू ही हो रहा है, दैट आर इनवॉलेंट्री मसल, ठीक है। तो इट इज करेक्ट, एरियोला स्किन के नीचे होता है, कार्टिलेज आपके बोन्स ऑफ वर्टेब्रल कॉलम के बीच में रहेंगे, कॉन्ड्रोसाइट लैकने में नहीं रहते हैं, इट इज ऑस्टियोसाइट विच इज इन लैकने, ठीक है, इट इज ऑस्टियोसाइट, ऑप्शन डी। Which of the following is correct for type of muscle present in wall of internal organ like blood vessel, stomach, intestine? कौन से होते हैं? इट इज ऑल स्मूथ मसल, और स्मूथ मसल कैसा दिखेगा? इट इज फ्यूजीफॉर्म, इनवॉलेंट्री एंड नॉन स्ट्राइटेड, इट इज ऑप्शन ए। यस, यूनिन्यूक्लिएट भी होता है, बट वहां पे ऑप्शन और सारे गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक सेल्स इन हार्ट एंड बंडल्स ऑफ स्मूथ फाइबर टूगेदर टू फॉर्म कनेक्टिव टिश्यू शीथ? It is, yes, it is intercalated disc. कौन है? Intercalated disc. The cell other than neuron which make up more than one half of volume of neural tissue in our body are. It is neuroglial cell. Yes, it is neuroglial cell. Yes, ठीक है, यही आपकी major आपके neurons का जगह ले लेते हैं। Function of those cell junction in which adjacent cells are connected to cytoplasm is connected through cytoplasm is
अगर साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड है तो विच काइंड ऑफ कनेक्शन इट इज फॉर्मिंग, फर्स्ट टेल मी दैट। क्या बना रहा है? गैप जंक्शन। यस, और गैप जंक्शन का क्या काम है? कम्युनिकेट करना, ठीक है, बैरियर को तोड़ देना। तो क्या देता है? तोड़ दे सारे बंधन तू, ठीक है, क्योंकि हमें कनेक्ट करना है। द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल कॉकरोच, चूज ए बी सी डी। कैन यू सी ए बी सी डी? कैन यू सी व्हाट, विच वन इज ए बी सी डी? डी इज योर एनल स्टाइल, जो कि केवल मेल में होता है, ठीक है। बी आपका एनल सर्कसी है, जो कि मेल और फीमेल दोनों में ही होता है, ठीक है। बचा ए एंड सी। सी वेयर इज ए, बी एज, ठीक है, एनल सर्कस एंड डी एज। बी और सी ऑप्शन तो गया आपका, बी इज रॉन्ग। सी एनल स्टाइल नहीं है बेटा, सी अंदर वाला पार्ट बता रहा है, ठीक है। अरे चेयर आ रही है बीच में, कैसे देखोगे? ऐसे दिख रहा है? कैन यू सी इट नाउ? बताओ। Can you see it now? इसी से पता चल गया यार, ऑप्शन ए होगा। चलो कोई नहीं, ए आपका एक्चुअली एर्थ सेगमेंट है। एक्चुअली क्लियरली देखा जाए तो ये नाइन्थ, एर्थ और नाइन्थ के बीच में कहीं दिख रहा है, और ये लास्ट वाला सी जो है ये टेंथ सेगमेंट है। चलो कॉलम वन एंड कॉलम टू मैच करना भी दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, नहीं दिखा तो। पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना क्या करता है ये? रिंग ऑफ सिक्स टू एट ब्लाइंड। सिक्स टू एट क्या थे ब्लाइंड? आपके हेपेटिक सीके। वैस्कुलर सिस्टम कैसा होता है? ओपन टाइप। टेन पेयर्स ऑफ स्मॉल मैल्फीजियन, सॉरी स्पेरेकल्स होते हैं, और एक्सक्रीशन के मैल्फीजियन ट्यूब आपके होल्स मदद करेंगे। इट इज ऑप्शन बी। द इंट्रासेलुलर सेलुलर मटेरियल ऑफ गिवन फिगर इज सॉलिड एंड रेजिस्ट कंप्रेशन। Identify the figure marked as A and B. देखो यहाँ पे बहुत प्रॉपर आपके क्या दिया हुआ है, बहुत ही क्लियर हैवर्जन सिस्टम आपको नहीं दिख रहा है, बहुत ही अरेंज नहीं है, बहुत थोड़े रैंडम से हैवर्जन सिस्टम। नहीं, हैवर्जन सिस्टम क्लियर नहीं है। लीव दिस यार, कुछ कंफ्यूजन वाला डायग्राम दिया, छोड़ दो। बॉडी ऑफ कॉकरोच हैज नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इट मीन्स दैट अगर पिगमेंट नहीं है, यानी उसको ऑक्सीजन को कैरी करने वाला कोई नहीं चाहिए, ठीक है,
तो ऑक्सीजन कैसे जा रही है, उनके इंट्रासेलुलर कैपिलरी सिस्टम के थ्रू चली जा रही है। नहीं, डिफ्यूजन यहाँ पे भी नहीं होगा, है तो बेटा वही ना ऑक्सीजन जो हमारे पास आ रही है, तो डिफ्यूजन तो यहाँ पे भी नहीं करेगी, ये इंट्रासेलुलर कैपिलरी सिस्टम के थ्रू आपके चली जाती है। फॉलोइंग फिगर ए बी सी टाइप्स ऑफ मसल आइडेंटिफाई ए बी सी, बहुत ईजी है ये वाला, बहुत ही ईजी है ये, वेरी इजी पीजी, सुपर इजी है ये। इट इज, पहला स्केलेटल है क्योंकि ब्रांचिंग नहीं है, दूसरा स्मूथ है, और तीसरा कार्डियक है जिसमें ब्रांचिंग भी प्रेजेंट है। इट इज ऑप्शन बी, ए से ही पता चल गया। इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज कट ऑफ, इट विल स्टिल लिव फॉर लॉन्ग एज 1 week, इट इज बिकॉज किसकी वजह से, हेड की वजह से, क्योंकि उसमें बहुत छोटा सा नर्वस सिस्टम था जो कि कट ऑफ किया गया, पूरा पूरा नर्वस सिस्टम नहीं खत्म हुआ उसका। आइडेंटिफाई गिवन फिगर विथ इट्स करेक्ट फंक्शन, ये फिगर बहुत क्लियर नहीं है तो आई एम जस्ट स्किपिंग दिस पार्ट, क्योंकि मैं आपको फिगर वाली चीजें टेलीग्राम पे भेज देती हूँ। फिर व्हाट विल हैपन इफ लिगामेंट्स आर कट और ब्रोकन, इफ लिगामेंट्स आर कट और ब्रोकन, लिगामेंट्स का काम क्या है, लिगामेंट्स का काम क्या है, बोन से बोन को ज्वाइन करना, अगर लिगामेंट कट कर गया तो क्या होगा, बोन अपनी जगह पे रहेगा, बोन फ्रीली मूव करने लगेगा। अरे भाई भाई मेरे, अगर बोन इतना इजली फ्रीली मूव करता तो सारे लिगामेंट काट देते कि लो भाई जिसको जैसे मूव कराना है, नहीं, अगर लिगामेंट आपका कट गया तो बोन अनफिक्स हो जाएगा, क्योंकि स्किन तो तब भी कवर्ड है, स्किन तो तब भी कवर्ड है, ऐसा थोड़ी ना है कि लिगामेंट तोड़ते स्किन से बाहर चला आएगा फाड़ के बोन की, चलो अब जैसे मन करे वैसे रहेंगे, बोन्स अपनी जगह से हिल जाते हैं, अनफिक्स हो जाते हैं, ठीक है। Four healthy people in their 20s got involved in injuries resulting in damage and death of few cells. Which of the cells are least likely to be replaced by new cells? नहीं बेटा, अंदर स्पेस भी कम है ना, आपका कोलेजन भरा हुआ है, हर चीज तो है, तो एक पर्टिकुलर स्पेस दिया गया हर टिश्यू को, ठीक है। कौन सबसे कम आपके रिप्लेस हो पाएगा, कौन से ऐसे टिश्यूज हैं जो जल्दी रिप्लेस नहीं होते हैं, जो बार बार मेरिस्टेम के थ्रू आपके ग्रो नहीं करेंगे, दीज आर न्यूरॉन्स, ठीक है। एक हार्ट के टिश्यू होते हैं, एक नर्व सेल होते हैं जो कि बहुत इजीली रिप्लेस नहीं हो पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे डैमेज बहुत मेजर डैमेज कहलाता है। इन कॉकरोच हेड कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू किसकी वजह से, प्रोटोथोरिक्स की वजह से। अगर 6 सेगमेंट का आपके फ्यूजन है, उससे हेड को रोटेशन कैसे मिलेगी, जब तक उसको आपका नेक रोटेट ना करे, और ये फ्लेक्सिबिलिटी नेक देता है उनको, इट इज प्रोथोरिक्स जो उसको मूव करने देता है। व्हाट एक्सटर्नल चेंजेस आर विजिबल आफ्टर लास्ट मोल्ट ऑफ कॉकरोच निम्फ, हाँ जैसे ही लास्ट निम्फ स्टेज होता है ना, वहां तक आपके कोई विंग का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही ये निम्फ कॉकरोच में कन्वर्ट होता है, उसको फोर विंग और हाइंड विंग दोनों ही आ जाते हैं।
चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच. एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच करेक्ट सीक्वेंस बताना है. कम ऑन एवरीवन. मम 37 में बी भी होना चाहिए. नहीं, इट वॉन्ट बी. बेटा क्या बोल रहा है कि हर डायरेक्शन में क्यों आपका माउथ देख सकता है? अगर आपके फेस में बहुत सारे बोन्स हैं और बोन फ्लेक्सिबल है, बिना गर्दन हिलाए क्या आप अपने सारे बोन को मूव करके हर तरफ देख सकते हो? नहीं. जब तक गर्दन फ्लेक्सिबल नहीं होगी, आपके माउथ के, आपके फेस के बोन कितने भी फ्लेक्सिबल हो, दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प. ठीक है, तो नहीं होगा. इट इज ऑप्शन सी, क्रॉप गिजर्ड हिपैटिक सीका मैल्फीजियन ट्यूब्यूल एंड देन फाइनली आपका रेक्टम आता है. लैक ऑफ ब्लड सप्लाई एंड प्रेजेंस ऑफ नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ. कौन सी ऐसी टिश्यू है बॉडी की जो बहुत बार, स्पेशली विंटर में, डेड स्किन जैसे निकलती है आपकी? विच टिश्यू? नॉन सेलुलर हो जाएगी ना, तब सब ब्लड सप्लाई भी नहीं होगी. दैट इज योर एपिथीलियम. आपकी स्किन झड़ती है ना, स्किन ड्राई हो जाती है, वो व्हाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस जैसा निकलता है, दैट्स द डेड स्किन विच कम्स आउट, क्योंकि वहां ब्लड सप्लाई एज सच नहीं है बहुत अच्छी. ठीक है. सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड आर रिलीज डायरेक्टली एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट तो होता नहीं है, तो वो कहां डालेंगे अपना सिक्रीशन? ब्लड स्ट्रीम में. कहां डालते हैं बच्चों? ब्लड स्ट्रीम में. दे पुट इन देयर ब्लड स्ट्रीम. कार्टिलेज टिश्यू आर लाइकली टू बी स्लो इन हीलिंग फॉलोइंग एन इंजरी बिकॉज. क्यों हील करने में इजी रहता है इनको, कार्टिलेज टिश्यू को? सेम प्रॉब्लम. हीलिंग तब बेटर होगी जहां पे ज्यादा आपके ब्लड सप्लाई होगा. जितना ज्यादा ब्लड सप्लाई उतनी तेज हीलिंग होती है, जितना कम ब्लड सप्लाई उतनी स्लो होगी. ठीक है, तो लैक ऑफ ब्लड सप्लाई होता है यहाँ पे. कार्टिलेज में बहुत ज्यादा आपके ब्लड सप्लाई नहीं होता है, ठीक है, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई होता है. एपिथीलियम शोन इन फॉलोइंग फिगर इज फाउंड इन कैसा दिख रहा है? देखो एपिथीलियम कुछ, देखो बॉक्स बॉक्स जैसा दिख रहा है. कहां पे दिखता है ये एपिथीलियम? वेयर वी फाइंड दिस एपिथीलियम? इट इज किस टाइप का होगा? ये क्यूबॉइडल होगा. ये क्यूबॉइडल एपिथीलियम कहां पे प्रेजेंट होता है? अरे 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 नहीं भाई, फलोपियन ट्यूब वगैरह में सिलिएटेड होता. अगर होता ना तो सिलिएटेड होता. ब्रोंकियोल्स में भी सिलिएटेड होता. ये आपके ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में पाए जाते हैं. ठीक है, कॉलमनार एपिथीलियम. ड्यू टू टाइप ऑफ एक्सक्रीशन परफॉर्म बाय मैल्फीजियन ट्यूब्यूल कॉकरोचेस. कैसे एक्सक्रीशन होता हमारे कॉकरोच में? विच टाइप ऑफ एक्सक्रीशन हैपेंस इन कॉकरोच? इट इज यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड के फॉर्म में होगा. यूरिक एसिड के फॉर्म में. ठीक है, चलिए. टाइप ऑफ विजन इन कॉकरोच इट इज मोजैक या नॉक्टर्नल विजन.
मोजैक विजन होता है, बिल्कुल सही बात है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऊथिका ऑफ कॉकरोच? इनकरेक्ट पूछा है, अगेन रॉन्ग। ऊथीका में हमेशा फर्टिलाइज्ड एग होता है, ऑलवेज फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, कभी भी अनफर्टिलाइज्ड नहीं होगा, ठीक है, दिस इज ऑप्शन ए। इन कॉकरोच विच अमंग द फॉलोइंग इज डिफरेंशिएटेड इनटू इलियम, कोलन एंड रेक्टम? इलियम, कोलन एंड रेक्टम, कौन सा पार्ट डिवाइड होता है आपका? हाइंड गट, हाइंड गट। फोर गट कहां भाई, फोर गट एकदम आगे रहता है, अभी वहां हिपैटिक सीका, क्रॉप, गिजर्ड ये सब रहते हैं। ठीक है, उनके जहां पे वो मिलते हैं फोर गट आपके, उसके आगे यही सब रहता है आपके। ठीक है, लोकेशन ऑफ टेस्टिस इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोचेस? लोकेशन ऑफ टेस्टिस इन मेल इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोचेस? कहां पे होता है? इट इज फ्रॉम 4 to 6 सेगमेंट, 4 to 6 सेगमेंट, कहां पे? 2 to 6 नहीं होता बेटा, 4 to 6, 4 to 8 फीमेल में होगा, 4 to 6 मेल में होता है, आपके एब्डोमिनल सेगमेंट के लेटरल साइड में होता है, इट इज ऑन द लेटरल साइड, हाँ बी में। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टिश्यू इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन गिवन स्टेटमेंट? कौन से टिश्यू को यहां एक्सप्लेन किया गया है, कौन किसे टिश्यू को यहां पे एक्सप्लेन किया गया है? कम ऑन एवरीवन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैडम। 48 का ए नहीं, ए नहीं होगा, 2 to 6 कहां लिखा बेटा? एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, इसीलिए 4 to 6 लिखा है वहां पे क्लियरली, मेरे पास यही पड़ी है एनसीईआरटी। हाँ, क्या होगा यहाँ पे? मसल टिश्यू? नो, नॉट मसल टिश्यू, इट विल बी कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये हर जगह पाया जाता है, मैक्सिमम बॉडी में आपके कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, थाउजेंड ऑफ ईयर ओल्ड ममीज आर स्टिल इन देयर कंडीशन एज देवर बिफोर ड्यू टू नॉन डिस्ट्रक्शन ऑफ? ममीज को पूरा प्रोटेक्ट करके रखा जाता था, पूरा उनको रैप किया जाता था प्रॉपरली, उनमें ऑइंटमेंट, आपके मेडिसिंस लगाई जाती ताकि उनकी बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं हो पाए। क्यों ऐसा किया गया और कौन सी ऐसी टिश्यूज थी जिनको प्रोटेक्ट किया गया एक्चुअली, जो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाई थी? नहीं, कोलेजन फाइबर नहीं है वो, नो वे, नॉट कोलेजन फाइबर, नो 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 नो, दे वर नॉट कोलेजन फाइबर। यस, दे वर येलो फाइबर, येलो इलास्टिन फाइबर, जिनको प्रोटेक्ट किया गया था, कोलेजन फाइबर नहीं थे, वो इलास्टिन फाइबर थे जिनको आपके नॉन डिस्ट्रक्शन वाली पोजीशन में रखा गया था, इंग्लिश में पढ़े थे। चलो, लास्ट 5 क्वेश्चंस फॉर टुडे, लास्ट 5 क्वेश्चंस। Which of the following type of muscle is being described on the basis of given statement? बहुत easy question है, बहुत easy question है। It is first statements आपको पता चल जाएगा, that is your smooth muscle, tapering है,
फ्यूजीफॉर्म शेप्ड का एक ही आपके मसल टिश्यू है, दैट इज योर स्केलेटल मसल, दैट इज योर स्मूथ मसल, इनवॉलेंट्री मसल. ठीक है. एन इन्फेक्शन वुड मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज फैगोसाइटिक एक्टिविटी इन, कहां पे इंक्रीज करेगा इन्फेक्शन, फैगोसाइटिक एक्टिविटी. चलो ये मैं बता दे रही हूँ आपको, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है. दिस विल बी रेटिकुलर टिश्यू. ठीक है, रेटिकुलर टिश्यू, कोई बात नहीं है, थोड़ा आपके आउट ऑफ रीच है, कोई बात नहीं. अब चलो ये बताओ, 1, 2 और 3 आपको लेबल करना कॉकरोच के अंदर, उनका सर्कुलेटरी सिस्टम शो किया गया है. ध्यान से देखना कैसे मेंशन किया है. ये 1 है, ठीक है, ये जो आपके बीच बीच में ऐसे ये बने हुए हैं ना, रुको, आई शो यू अगेन. दिस वन, दिस थिंग्स, दिस इज मेंशनड एज 3, सॉरी दिस इज मेंशनड एज 3, ये 3 मेंशनड है. और ये जो साइड वाली चीजें हैं, दीज थिंग्स, दिस आर मसल मेंशनड एज 2. अब आपको बताना है, एक है आपके पोस्टी, आपके एंटीरियर आयोटा है, दिस इज एंटीरियर आयोटा. ठीक है, एक सिंगल जा रहा है आपका. सेकेंड जो आपका है, ये मसल्स हैं जो कि सपोर्ट कर रही हैं आपके हार्ट के चैम्बर्स को, इनको हम एलरी मसल्स कहते हैं. एंड थर्ड इज योर एक्चुअली चेंबर्स ऑफ हार्ट, चेंबर्स ऑफ हार्ट. ठीक है, इट विल बी ऑप्शन सी. सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, एन एक्सोक्राइन ग्लैंड इन विच पोर्शन ऑफ सिक्रीटरी सेल इज डिस्चार्ज विद द सिक्रीशन इज टर्म्ड एज एक्सोक्राइन ग्लैंड. These are called apocrine. चलो कोई नहीं, ये भी mentioned नहीं है आपके में. Last question, this is easy one. ठीक है, easy one. देखो क्या बोल रहा है आपसे. यहाँ पे figure दिया हुआ है, elementary canal को label किया है 1, 2, 3, 4. Okay? ठीक है. अब आपसे ये पूछा जा रहा है, identify the structure. ठीक है, which is also known as proventriculus and help in grinding of the food particle. जो food particle को grind करने में मदद करता है. ठीक है, ये 1 है आपका, this is actually esophagus. ये 2 है आपका, which is a crop. ये 3 है आपका, which is a gizzard. And this 4 is malpighian tubule. Not crop. Grinding में mainly आपका gizzard involved होता है, not crop. Grinding में mainly आपका gizzard भी involved होता है. इसी को proventriculus के नाम से भी जाना जाता है. It is gizzard, not crop. ठीक है, crop भी आपके teeth like आपके projections रखता है, जो कि आपके food को तोड़ने में काम कर रहा है, लेकिन वही आपको further mellow down gizzard करके देता है, उसी को हम proventriculus कहते हैं. ओके, चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे. इसके साथ आज के क्वेश्चन समाप्त हुए, फिनिश हुए हैं. ठीक है, अब हम लोग कल से नया पूरा आपके यूनिट शुरू करें इकोलॉजी का. ठीक है, कल उसका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर होगा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में. ठीक है, सुबह 9:30 शार्प, 9:30 AM शार्प. ओके, चलिए, बाकी बच्चों आपको बता दें, अभी बहुत अच्छा स्पेशल प्राइस चल रहा है ऑन एनी ऑफ द सब्सक्रिप्शन ऑफ प्लस और आइकॉनिक. 1 ईयर आप 1.5 ईयर, 6 मंथ, 9 मंथ, कोई भी ले, प्लस या आइकॉनिक, आपको 52% तक का कंसेशन दिया रहा है. यू हैव टू पे दिस प्राइस फॉर नाउ यूजिंग दिस कोड. ठीक है, इस कोड पे आपको ये ऑफर मिलेगा एंड यू विल गेट माई पर्सनल गाइडेंस. ठीक है, ऑल स्टार बैच आपको ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 25th of November से, इसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं.
जिसमें सारे स्टार एजुकेटर आपको पढ़ा रहे हैं, प्लस और आइकॉनिक से ही इसका हिस्सा बन सकते हैं। यूजिंग दिस कोड अगेन आपको बेस्ट डील मिलेगी एंड यू विल गेट माई पर्सनल गाइडेंस। अनअकैडमी अब आपका जनकपुरी दिल्ली में भी ओपन हो चुका है, तो डेफिनेटली आप यहां से भी अपनी ऑफलाइन तैयारी कर सकते हो। कोई भी सेंटर पे 99 रुपीज में प्री बुकिंग करके 10% ऑफ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कोड आपको यही यूज कर लेना है, ठीक है। चलिए, कम्पीट लाइव है एंड एवरीवन नोज इट्स गोइंग अमेजिंग। और अभी तक अगर आपने इसको लगाना सही से शुरू नहीं किया तो यू आर गेटिंग वेरी लेट, ठीक है। मॉक टेस्ट भी कराएंगे बेटा, लेकिन पहले सिलेबस कंप्लीशन। मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि मतलब बस मॉक टेस्ट ही देना, पहले सिलेबस कंप्लीशन पे काम करना होगा फिर मॉक टेस्ट पे, ठीक है। तो पहले सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी तब मॉक टेस्ट कराऊंगी। बाकी बहुत जल्द मैं मॉक टेस्ट आपका स्पेशल क्लास में कराऊंगी, जैसे हफ्ते में एक बार करा दिया या 2 हफ्ते में एक बार करा दिया, ऐसे में करा दूंगी, ओके। चलिए बाकी बच्चों, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन हिट कर देंगे एंड लाइक एंड शेयर द सेशन, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, लेट्स क्रैक इट एंड वी विल मीट यू टुमारो। मैं से कनेक्ट करना तो बस मेरा नाम याद रखिएगा, डॉक्टर साक्षी बरनवाल, एंड यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम, ओके। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।